तो बुला लिया गया हूँ करने के लिए यहाँ पे, लाइटिंग ऊपर ही खड़ा रहूंगा, मेरे को कुछ और आता ही नहीं ना, मैं ना ये कर सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वही करूंगा, खुश रहूंगा। अरे भाई, अरे भाई, मैं क्या करूँ। हाँ, सबसे पहले तो दादा बहुत अच्छा लगा आपके साथ स्टेज शेयर करके, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, थैंक यू, लव यू। हेलो, वेलकम टू द ड्रामा कंपनी। अब सब सबका नकल उतार रहे हैं तो मैं भी क्यों चुप रहूं, मुझे भी आती है नकल उतारनी। ये कौन है? सच में आपने गेस नहीं किया? नहीं, हेमा जी। हाँ। अच्छा तो मैं करता हूँ। किसका अच्छा था? दादा लव यू। दादा मैं ओरिजिनल थी। यस। हाँ तो तुमने मेरा कॉपी किया। आप कर श्रीदेवी, 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 श्रीदेवी। तो बाबा बोल रहा करने। भैया, भैया, आप पैसे नहीं तो क्या हुआ? चलेगा, बाद में ले लूँगी। यस यस। ओके। सुदेश तो कर चुके हो। ताना जी। परसो अर्जायत के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, वी विल टेक लास्ट टू क्वेश्चंस। दादा, 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 आपने सैकड़ों फिल्में की हैं, सैकड़ों किरदार निभाए हैं, तो शंभू दादा में कोई ऐसा किरदार कभी कोई घुसेगा उसमें? शंभू दादा खुद ही एक करेक्टर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा लंबा शायद आपने देखे नहीं होंगे। मतलब लोगों को मैं बोलता हूँ लंबा फेंकता नहीं, मैं लंबी लंबी उड़ाने लेता हूँ कि वर्ल्ड के ऐसे कोई आदमी नहीं है जिन्हें मैं जानता नहीं। और वो किरदार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि शंभू दादा कौन है। आपको गेस करना होगा कि मैं किसी का ना किसी का तो कोई है हमारे इंडस्ट्री में जो बड़ा बड़ा फेंकता है उसी को। हाँ सर। हाँ दादा, मैं वही पूछ रहा था। शंभू दादा नाम कैसे डिसाइड हुआ? ये अचानक आया कि हमारे मोहल्ले में था ऐसा ही, उसको अगर कुछ बात बोलो यार, मेरी एक बात, मैं जब बचपन में मैं गया था वो चालू हो जाता था, और हमको मालूम था अभी लंबा फेंक रहा है, अभी कहाँ जाए, बड़ा आदमी है, उम्र वाला है, चला जाऊंगा तो गली देगा, नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। तो वहां से शंभू दादा अचानक आ गया, भाई शंभू दादा का रोल करते हैं ऐसे। अली भाई सर, फॉर अ चेंज यू आर प्लेइंग योरसेल्फ, मतलब यू आर एज अली, नॉट इन अ फीमेल गेटअप। तो नो 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 नो, एवरीबॉडी इसमें भी है। वो दादा का डिमांड है। ये हैज टू बी। एंड लेकिन सिर्फ लड़की नहीं बनेगी, उसमें किरदार होंगे, नया नया प्रेजेंटेशन होगा, दैट विल बी द यूनिक पार्ट ऑफ इट। ओके अली भाई, लास्ट रिक्वेस्ट, एक चिंटू ऋषि कपूर का एक झलक। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी, स्पेशली मिथुन, थैंक यू फॉर स्टार्टिंग चेंज विद मी। और आप प्लीज एक एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हाईएस्ट रिगार्ड्स टू संजू बाबा एंड लॉट्स ऑफ लव टू संजू बाबा। आप फंस गया ये। Okay. He does the even. Yeah, yeah. Hey, we haven't seen Neil Nitin Mukesh. Show. I haven't seen Neil Nitin Mukesh. कह रहे हैं। Actually, वो है वो तीन नाम वाला हो। और उसका नाम है। बोलो। दादा। और उसका नाम है। Neil Nitin Mukesh. Right. नहीं आप बोलो। Wrong. Neil Nitin Nitesh. Thank you, love you, Baba. Thank you. But मैं इतना ही चाहूँगा कि they're all fantastic actors. सब मिलके
अच्छी तरह से काम करे, मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। इतनी कम उम्र में कम लोगों के साथ बैठकर सीखूंगा। हंसने की क्या बात हुई तेरे को, क्या मैं क्या लगता हूँ? चलो रेडी एंड चलो, ओके थैंक यू वेरी मच। ये ड्रामा कंपनी सबसे अलग होगा, ऐसा शो आज तक आया नहीं और आगे का ना ऐसा शो होगा। आज तक सबने ये देखा है, सुना है फिल्मों में या लोगों के एक्टरों के रूप से सुना है कि मैंने थिएटर किया है, मैं थिएटर का कलाकार हूँ। पब्लिक घर पे देखेगी कि थिएटर क्या होता है, थिएटर में गलतियाँ क्या होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है, ये कॉमेडी शो सर। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये सब शंभू दादा बताएंगे। मैंने यही बताया है कि ये थिएटर आपको टीवी पे देखेंगे आप, थिएटर की थिएटर में गलतियाँ क्या होती हैं, असल थिएटर क्या होता है, ये नेचुरल कॉमेडी जब स्टेज पे देखेंगे वो आपको बड़ा मजा आएगा। कभी दिया दोबारा बोलो, मैं ये कह रहा था कि हमारा द ड्रामा कंपनी ऐसा है कि आज तक टीवी पे फिल्मों में जैसे एक्टर जितने भी इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं कि मैंने थिएटर किया हुआ है, ये थिएटर का कलाकार है। असली थिएटर क्या होता है वो आप टीवी पे देखेंगे 16 जुलाई रात को 8 बजे के थिएटर क्या होता है, थिएटर में क्या क्या गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों से कॉमेडी कैसे निकलती है, ये सब कलाकार आपको दिखाएंगे। तो जोरदार खुद ही ताली। दोस्त को थोड़ी बहुत सारे शो है सोनी पे, कॉमेडी कॉम्पिटिशन नहीं, हम किसी और शो को डिस्कस नहीं करते फिलहाल, हम किसी शो को अच्छा बनाने के टेंशन में भी हैं और एक्साइटमेंट भी है, सारे इमोशन जो है वो एक साथ आ गए हैं और इसी शो पर ध्यान है हमारा। और ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा चैनल है और सेम टाइम स्लॉट है तो फिर कॉम्पिटिशन होता है, तो अभी फिलहाल आप सोचिए कि सोनी पर ही सबसे ज़्यादा आपको कमाई है। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे आप लोग कह रहे हो दूसरे की जो बेटी थी वो तो अमेरिका गई, आपकी कहाँ जाएगी? तो आप मेरी बेटी की शादी मुझे मुबारकबाद दो, मेरे शो की मुबारकबाद दो, हमारा शो हिट हो, हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, सबके शो हिट हैं, हिट रहेंगे, लेकिन हमारा शो बहुत सुपर डुपर हिट होगा। मुबारकबाद दो, मुबारक 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 मुबारक। शोज होते हैं वो सभी चलने चाहिए, उससे सभी को फायदा होगा, सारे एंटरटेनर्स को फायदा होगा।
हाँ मैंने मैसेज किया था बिकॉज बी एस एफ चल रहे उसकी वजह से जा नहीं पाया सर। मिथुन सर, क्या आप कोई रीमेक मूवी अपनी दोबारा से बनाना चाहेंगे?
अगर आप कोई चाहे कि रीमेक बने आपकी कोई मूवी, मैं इतना बोर कर चुका हूँ और दोबारा बोर होना चाहते भाई 300-350 से ज़्यादा फिल्में होंगे, जैसे 200 फिल्में मैं खुद अपने देख नहीं पाती, लेकिन कुछ कुछ है जो लैंडमार्क है, इसलिए सस्टेन कर गया इतने सालों तक। मैं सब बड़ी बड़ी बात करके आपको इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, 350 में से 200 मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ देखना नहीं तो बाकी जो है डेफिनेटली कुछ लैंडमार्क्स हैं, प्लैटिनम जुबली, गोल्डन जुबली एंड व्हाट नॉट व्हाट नॉट, लेकिन दोबारा मैं वही किरदार दोबारा निभाऊँ मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, ना दर्शकों के पास इतना टाइम है कि इतना बोल आई एम सॉरी आई वॉन्ट डू इट एंड थैंक यू वेरी मच Have your dinner quickly. I'm also feeling hungry. I'm not well. Good bola. Thank you very much. Okay. Thank you. Wait, give me 1 minute. Thank you. अभी पिक्चर अभी बाकी है, 8 ना बच्चे मार इसको पकड़ के पहले फोटोज कर दो राखी 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 हाँ या 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 Thank you.